Hello, my dear kids. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. I'm Vandana and we are learning English grammar of class 7. Here is a book, children, and the name of your book is Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 21, and the name of the chapter is Phrase. So I hope you know what are phrases. A group of words that make some sense but not complete sense is called a phrase. Phrase kya hai? A group of words jo kuch sense to banate par sentence, matlab pura sense nahi banate hain. Lekin agar jab wo pura sense banane lagte hain to unhe hum sentence kehne lagte hain. A phrase is generally a part of a sentence. Phrase kya hai? Ek sentence ka ek part hota hai. Now the examples are, there was a beggar at my door. So, अगर हम कहते हैं at my door, मेरे दरवाजे पे, तो आपको ये incomplete लगेगा. लेकिन अगर हमने इसके साथ लिख दिया there was a beggar at my door, मेरे दरवाजे पे एक भिखारी खड़ा है, so this will be complete. The sun is above our head, हमारे सिर के ऊपर, so this is a phrase. Kinds of phrases. The phrases can be classified according to their functions. इनके functions के according इन्हें हम classify कर सकते हैं. The first is adjective phrase. In a sentence, a phrase that acts as an adjective is called an adjective phrase. किसी भी sentence में phrase क्या करते हैं? Adjective की तरह से work करते हैं, तो इन्हें हम adjective phrase कहते हैं. Example is, the lady is in the silken gown is my aunt. तो यहाँ पर silken क्या है? एक adjective है. अब यहाँ पे लिखा है अगला सेंटेंस, द लेडी इन द गाउन मेड ऑफ सिल्क इज माई आंट. तो मेड ऑफ सिल्क यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है. तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एडजेक्टिव फ्रेज मस्ट बी प्लेस क्लोज टू द नाउन. इन्हें हमेशा नाउन के पास ही लिखा जाता है. दे डिस्क्राइब, अदरवाइज द सेंटेंस में लुक ऑकवर्ड. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सेंटेंस बहुत ही अजीब लगेगा. एंड समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस में ऑल्सो चेंज. और कई बार क्या होता है? सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर बॉट अ चेयर. मेरी टीचर एक चेयर लाई फ्रॉम द शॉपकीपर विथ फोर लेग्स. तो अब यहाँ पे विथ फोर लेग्स आप पढ़ोगे और चेयर पढ़ोगे अलग अलग, तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा. बट जब हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? माई टीचर बॉट अ चेयर विथ फोर लेग्स फ्रॉम अ शॉपकीपर. तो अब यहाँ पे चेयर विथ फोर लेग्स आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, एक चेयर की बात हो रही है जिसके फोर लेग्स हैं, बट पूरी बात आपको भी नहीं पता. लुक एट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड द एडजेक्टिव फ्रेज इक्विवेलेंट टू देम. सो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव हैं और कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. दोनों को ही हम देखते हैं. अ स्टील अलमीरा, ये एक एडजेक्टिव है. एंड जब हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज में लिखेंगे तो हो जाएगा एन अलमीरा मेड ऑफ स्टील. एन ऑनरेबल मैन, अ मैन ऑफ ऑनर. स्टोन वॉल्स, वॉल्स मेड ऑफ स्टोन. अ क्रूएल मैन, अ मैन विथ क्रूएल नेचर. इंडियन गुड्स, गुड्स मेड इन इंडिया. अ फियरलेस मैन, मैन विदाउट फियर. सो ऐसे हमने इन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर लिया है. नेक्स्ट कम्स एडवर्ब फ्रेजेस. अब हम एडवर्ब्स फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे. इन अ सेंटेंस, अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज. किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब जो कैसे काम करता है? एक फ्रेज के तरीके से काम करता है, उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. एग्जाम्पल इज, रोहित एक्टेड क्लेवरली. एडवर्ब शोइंग मैनर. तो यहाँ पे क्लेवरली क्या है? एडवर्ब है जो मैनर शो कर रहा है. रोहित एक्टेड इन अ क्लेवर मैनर. रोहित ने क्लेवर मैनर में एक्ट किया. तो इन अ क्लेवर मैनर क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड द एडवर्ब फ्रेजेस दैट आर इक्विवेलेंट टू देम. तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं और उनके एडवर्ब फ्रेजेस. लेट्स लर्न. फुलिशली, इन अ फुलिश मैनर. ओकेजनली, हैपनिंग समथिंग समटाइम नॉट रेगुलरली. Abroad, in a foreign land. Now, at this moment, everywhere, at every place, annually, every year. Late, after the started time, stated time towards the end. Courageously, with courage. Immediately, at once. Early, at an early hour. Hurriedly, in a hurry.
formally in a former time, gradually step by step, undoubtedly without any doubt, recently at a recent time, simultaneously at the same time, slowly at a slow speed, soon in a short time, there at that place, suddenly without any warning. So these are some adverbs and the adverb phrases. Next comes noun phrases. In a sentence, a phrase that act as a noun is called noun phrase. किसी भी sentence में वो phrase जो noun की तरह act कर रहा है उसे हम noun phrase कहते हैं. How to write is an art. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? How to write is एक noun की तरह work कर रहा है. I love reading newspaper. तो यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर क्या है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. हियर एक्सरसाइज ए सेज कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग द फ्रेज गिवन इन ब्रैकेट इन देयर प्रॉपर प्लेस. तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए उन्हें, उनके प्रॉपर प्लेस पे हमें लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज द मंकी इज ईटिंग अ राइप बनाना विथ ग्रेट जॉय. सो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा. द क्रिकेट फील्ड आफ्टर द रेन बिकेम वेट. द क्रिकेट फील्ड बिकेम वेट आफ्टर द रेन. सो दिस विल बी वन एंड दिस विल बी टू. सो फर्स्ट वी विल राइट वन एंड देन वी विल राइट टू. सो लाइक दिस अरेंज द गिवन क्वेश्चंस. नेक्स्ट बी पार्ट क्लासिफाई द हाईलाइटेड फ्रेज एज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. आपको बताना है कि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है. द स्टफ टॉय इन द शॉप विंडो इज वेरी क्यूट. नाउ चिल्ड्रन द फर्स्ट वन इज द स्टफ टॉय इन द शॉप विंडो इज वेरी क्यूट. एंड इन द शॉप विंडो को हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ फ्रेज इट इज. सो इट इज नाउन फ्रेज. The doctor checked his patient very thoroughly. So this is adverb phrase. The dress with the blue bow is very pretty. This is adjective phrase. So complete the rest questions yourself. Now let's move on to C part. Fill in the blanks with suitable adverb phrase of your choice. तो एडवर्ब फ्रेज हमें यहाँ पे फिल करना है. एंड द फर्स्ट वन इज रिप्लाई टू द लेटर. रिप्लाई टू द लेटर सून. फातिमा इज डैश अ सिंसियर वर्कर. सो हियर द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन रिप्लाई टू द लेटर एज सून एज पॉसिबल. सेकेंड वन इज फातिमा इज इंडीड अ सिंसियर वर्कर. So here we will write indeed. Like this, complete the rest questions. Now D part is use these phrases in sentence of your own. In phrases को हमें अपने खुद के sentence बनाने, उसमें इन्हें adjust करना है. The teacher is writing. The teacher is writing. On the blackboard. Next is through the window. The thief is peeping through the window. So like this children, you have to complete these. You have to make sentences accordingly. Children, now let's learn what is picture composition. Picture composition is defined as a collection of images and used to tell the story depicting people in action or an event or a place. So picture composition kya hai? Ye collection hai kuch images ka jise use kiya jata hai kisi bhi story ko batane ke liye, kisi bhi logon ke bare mein kuch action hai ya event hai ya fir place hai uske bare mein batane ke liye. These are the points to remember while writing a picture composition. So यहाँ पे कुछ points हैं जिन्हें जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी भी picture composition को लिखते हैं. First is study the picture carefully. पहला point कहता है हमें picture को हमेशा ध्यान से
पढ़ना चाहिए कि क्या है पिक्चर, वो क्या कहना चाहता है हमसे. सेकेंड वन इज इफ द कॉम्पोजिशन इज अ स्टोरी इट मस्ट हैव अ बेसिक प्लॉट. अगर कॉम्पोजिशन जो है एक स्टोरी होगा तो उसका एक बेसिक प्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, डायलॉग होंगे और डिस्क्रिप्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द थीम ऑफ द पिक्चर. थर्ड इज ऑलवेज राइट इन द पास्ट टेंस, हमेशा पास्ट टेंस में लिखो. नेक्स्ट इज इफ द पिक्चर कॉम्पोजिशन इज अ डिस्क्रिप्टिव एसे, अगर पिक्चर कॉम्पोजिशन एक डिस्क्रिप्टिव एसे हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, हमें डिटेल्स पे ध्यान देना चाहिए. एंड यूज लैंग्वेज दैट विल हेल्प द रीडर विजुअली, और ऐसे लैंग्वेज को यूज करना चाहिए जो रीडर को विजुअली हेल्प करे. फिफ्थ वन इज नेवर स्टार्ट बाय सेइंग इन दिस पिक्चर आई सी, कभी भी इन दिस पिक्चर आई सी से स्टार्ट नहीं करना है. पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, क्लोज एंड पोस्चर, इन सब चीज़ों पे हमें चिल्ड्रन ध्यान देना चाहिए. रिमेंबर टू गिव योर कॉम्पोजिशन अ टाइटल, हमें हमेशा जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसको सबसे पहले एक टाइटल हेडिंग देना है. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर कॉम्पोजिशन इज गिवन. यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइसक्रीम कार्ट है जहाँ से बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं, खा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हमने क्या लिखा, इन चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द पार्क विद देयर फ्रेंड्स. एज ऑलवेज चिल्ड्रन लुक क्यूट बट व्हेन दे प्ले एट द पार्क एंड एंजॉय देमसेल्फ सो मच दे लुक ऑसम. सो बच्चे क्यूट तो लगते हैं लेकिन जब वो खेलते हैं तो और भी ज़्यादा ऑसम लगते हैं. इन द पार्क चिल्ड्रन हैव ग्रुप्स एंड दे प्ले विद देम ओनली, चिल्ड्रन का जो पार्क में जब जाते हैं तो उनका खुद का ग्रुप होता है, उनके साथ ही खेलते हैं. सम ऑफ देम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, सम आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सम आर लुकिंग टू जॉइन देयर फ्रेंड्स. तो कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं. सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर पेरेंट्स एंड एंजॉइंग आइसक्रीम, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं. एंड चॉकलेट एंड आर बाइंग एंड आर बिजी ईटिंग, कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ चॉकलेट खा रहे हैं और कुछ बच्चे खाने में व्यस्त हैं. इन द पार्क ऑल द चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्फ विद देयर फ्रेंड्स एंड ग्रुप एंड दे आर रियली हैप्पी एंड लुक क्यूट एज वेल. Now children, what you have to do after reading the previous picture? Let's study the given picture. यहाँ पे एक picture दी गई है, उसे study करते हैं. Write a story, a description or an account on which each picture suggests to you. So यहाँ पे कुछ चार पांच picture दी गई हैं, उन्हें देखना है. ये अलग अलग pictures हैं तो आपको क्या करनी है, अलग अलग कुछ story लिखनी है and description लिखना है. Whatever you think you can write, you will have to write it. There must be a clear connection between the picture and your composition. जो भी आप लिख रहे हो उन दोनों में ही क्या होना चाहिए, connection होना चाहिए. So first picture में आप देख सकते हो earth है, save me लिखा हुआ है, तो save earth से related कुछ composition हो. यहाँ पे एक बच्चा है जो grandfather को क्या कर रहे हो, road cross करा रहा है. So this you can write in your own words. यहाँ पे एक पर्सन है जो क्या है, एल है, उसकी उसको दवाई वगैरह खिलाई जा रही है. दिस टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन यू कैन राइट. और यहाँ पे एक बच्चा है जो ढाबे पे क्या कर रहा है, बर्तन धो रहा है. सो दीज फोर पिक्चर्स आर गिवन हियर, यू हैव टू राइट डाउन फोर कॉम्पोजिशंस सीइंग दिस पिक्चर्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पिक्चर कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन एंड आई विल बी मीटिंग यू विथ अ न्यू वीडियो. टिल देन Take care and thanks for watching.